मेरा नाम मनीषा कुमारी मेघवंशी है। मैं पतराज कला की रहने वाली हूँ और मैं आज आपके सामने झांसी की रानी की एक कविता सुनाने जा रही हूँ। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वतंत्र घड़ी हकुलाती है। जब नाग फनी को पारिजात में संदर्स बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाथ की जग है श्रृंगालों की आवाज़ें आती है, जब सिंहनाथ की जग श्रृंगालों की आवाज़ें आती है, जब कौवों के आदेशों पर कोयल बाधे सुनाती है, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है, हर कोना भरा है वीरता से इस भारत की अंगनाई में, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मी बाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मी बाई का, गोरों की सत्ता के आगे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो तब उठी सूर्य की महाज्वाल, अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबला देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी, लेकर कृपाण संकल्प किया निज धरा नहीं बटने दूंगी, लेकर कृपाण संकल्प किया निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए पर अस्तित्व नहीं मिटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए पर अस्तित्व नहीं मिटने दूंगी। पति परम लोक को चला गया मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी सम्रांगण में या दो गोरों को मारूंगी, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में तलवार लिए, शिशुपृष्ठ भाग पर बांध लिया बल गाये साधी दांतों में, फिर घोटक पर हो सवार कह लिए खड़ग निज हाथों में, जब तक महिषेश शेष पर है उद्धारण तरुणाई का, बलिदान रहेगा
सदा अमर महारानी लक्ष्मी बाई का। गोरों की सेना पर रानी, गोरों की सेना पर रानी धावा नल बन कर छाई थी। रणचंडी के खप्पर भर कर तभी अपनी प्यास बुझाई थी। उड़धरा पवन के वेग पवन बादल बादल बन बरस गए। जपला संग तलवारे चमकी दुश्मन पानी को तरस गए। जपला संग तलवारे चमकी दुश्मन पानी को तरस गए। रण बीच अकेली डटी रही साहस के तब वो पारे थे। बलिदान रहेगा सदा अमर महारानी लक्ष्मी बाई का। बलिदान रहेगा सदा अमर महारानी लक्ष्मी बाई का। जय हिंद, जय भारत।